हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स से लेसन 4th है एल्टीट्यूड एंड मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल, जिसकी आज हम प्रैक्टिस सेट 4.1 देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हम पूरा कंस्ट्रक्शन भी देखने वाले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, ट्रायंगल LMN देकर है और LX और LY ऐसे दो लाइन सेगमेंट देकर है। सो इन ट्रायंगल LMN ब्लैंक इज एन एल्टीट्यूड एंड ब्लैंक इज एन मीडियन। एल्टीट्यूड और मीडियन ये क्या है, ये दोनों में से वो सेगमेंट का हमको नाम लिखना है। तो इसमें सबसे इजी एक मेथड है कि एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, जो परपेंडिकुलर रहता है उसको एल्टीट्यूड कहा जाता है, ठीक है। सो सेगमेंट LX ये एल्टीट्यूड रहेगी, ओके। सो सेगमेंट LX ये हमारा आंसर होना चाहिए, और क्यों होना चाहिए, यहाँ पर परपेंडिकुलर का 90 डिग्री का सिंबल यहाँ पर हमको दिख रहा है। उसके बाद मीडियन कौन सी होगी, MN, इस पर ये Y मेरे हिसाब से मीडियन मिड पॉइंट दिखाया जा रहा है, तो LY ये सेगमेंट मीडियन रहेगी जो इक्वल पार्ट करती है, MY और YN ये दोनों सेम रहेगी। सो सेगमेंट LY ये उसकी मीडियन है, ये उस लेसन में हमको बताया गया है। और आगे आगे हम पूरा समझने भी वाले हैं कि एल्टीट्यूड और मीडियन क्या है, इसको कैसे ड्रॉ करना है। क्वेश्चन सेकंड है, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल PQR। एक्यूट एंगल ट्रायंगल PQR ड्रॉ करो, ड्रॉ ऑल इट्स एल्टीट्यूड, उसके पूरे ही एल्टीट्यूड ड्रॉ करो और नेम द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस O। तो चलो ड्रॉ करते हैं हम। तो एक छोटा एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे और उसको नाम देंगे हम PQR। तो उसके पहले मैं सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेता हूं, ये होगी लाइन सेगमेंट ड्रॉ, ठीक है। और इतने में अगर मैं पॉइंट अगर लेता हूं तो शायद एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो हो जाए। तो हाँ, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो ही रहा है वो, क्योंकि ऊपर का एंगल देखो 90 डिग्री से छोटा दिख ही रहा है। तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर दिया, इसको नाम दे देता हूं मैं PQR। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ ऑल इट्स एल्टीट्यूड, उसके सभी एल्टीट्यूड हमको ड्रॉ करने हैं। तो चलो, एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए हमको चाहिए सेट स्क्वायर। इससे सेट स्क्वायर में क्यू से मीडियन मुझे ड्रॉ करनी है, तो सॉरी एल्टीट्यूड ड्रॉ करनी है। देखो ये लाइन मैंने ज्वाइन कर दी, ये पॉइंट अभी ज्वाइन होना बाकी है, थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ मैं सेट स्क्वायर को। ठीक है, अब ज्वाइंट हो रहा है। थोड़ी सी जगह मैंने खाली रख दी है क्योंकि वहाँ पर पेंसिल उतनी साइज की होगी ही, सो इसलिए यहाँ से मैं ये लाइन खींच रहा हूँ। और अब इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करके इसको स्केल के जैसा मैं यूज़ करूँगा, और ये हो गई एक एल्टीट्यूड। उसके बाद ऐसा कर दूंगा मैं सेट स्क्वायर, अब ये 90 डिग्री होगा और यहां पर इस टाइप से मैं इसको ज्वाइन करूंगा। देखो ये हो गया 90 डिग्री। तो अब यहां से इसको ज्वाइन करना पड़ेगा अपने को, और तीसरा इसको मैं मूव करके इस टाइप से ज्वाइन करता हूं। देखो लाइन मैच हो चुकी है और ये हो गया परपेंडिकुलर थर्ड, ठीक है। इसको ए बी सी हम नाम दे देंगे, ए बी सी, पी बी आर ए क्यू सी, ये तीन एल्टीट्यूड्स हमने ड्रॉ किए हैं और वो जहां पर हमको मिलते हैं उसको कहते हैं हम ऑर्थो सेंटर, जो है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ऑल एल्टीट्यूड। सभी एक ट्रायंगल में ज्यादा से ज्यादा तीन एल्टीट्यूड होते हैं और तीनों भी एल्टीट्यूड जहां पर मिलते हैं उसको ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ओ इज ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन सेकंड।
क्वेश्चन थर्ड देखेंगे हम, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल एसटीवी, ड्रॉ ऑल मीडियंस एंड शो इट सेंट्रोइड। सेंट्रोइड मीन जहां पर मीडियन मिलते हैं, इसको कैपिटल जी से हम डिनोट करते हैं। और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल निकालना है हमको, तो चलो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ करके देखेंगे। ये देख रहे हैं हम क्वेश्चन थर्ड, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल निकालना बहुत ही इजी है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो। ठीक है, इसको एक को ऑब्ट्यूस एंगल दे दो, ओके, और इसको दे दो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अगर इसको ज्वाइन करते हो आप तो ट्रायंगल मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, और इसको नाम एसटीवी देना है। और अब इनके मीडियन हमको ड्रॉ करने हैं, और मीडियन ड्रॉ करने के लिए हमको चाहिए होता है कंपास। कंपास में इसको ड्रॉ करने के पहले मैं इसको थोड़ा सा पेंसिल से प्रेस करता हूँ, देखो पॉइंट वी को, पॉइंट टी को और पॉइंट एस को थोड़ा सा दबा दिया है मैंने पेंसिल से, क्योंकि अगर मैं अब आयरन टिप यहाँ पर रखूंगा तो फंस जाएगा आयरन टिप, यानी हिलेगा नहीं, घिसेगा नहीं, स्लिप नहीं होगा। तो ये हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस मैं ले रहा हूँ, पहले देखो आधे से ज़्यादा डिस्टेंस है एस वी का, एक अपर साइड और एक लोअर साइड, ओके। फिर एस पर रखूँगा मैं अपर साइड और लोअर साइड, ओके। इनको जॉइंट अगर मैं करता हूँ तो मुझे एक मीडियन मिल जाए, सॉरी मिड पॉइंट मिल जाएगा। ये हो गया मिड पॉइंट, ओके। और इसको जॉइंट करने वाली लाइन जो रहेगी वो मीडियन रहेगी, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको जॉइन करने वाली जो लाइन है वो है मीडियन, ओके। और मीडियन को मैं थोड़ा सा पीछे के साइड में एक्सटेंड करूंगा, क्यों एक्सटेंड करूंगा वो थोड़ी देर में आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में बाहर अपने को सेंट्रोइड मिलने वाला है, इसलिए अभी इसको एक्सटेंड कर दिया मैंने। अब ये तो हो गया इस लाइन की बात, अब इस लाइन सेगमेंट का भी मिड पॉइंट हम ढूंढ लेंगे। फिर से हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेता हूँ मैं, देखो हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस है, टी पर रखते हुए लेफ्ट राइट, एस पर रखते हुए, राइट लेफ्ट, ओके। यहाँ पर ये कंप्लीट नहीं हुआ तो इसको मैं इधर ऊपर और सरका देता हूँ। फिर से दो पॉइंट मिल चुके हैं हमको, चलो इनको जॉइन करते हैं। को जॉइन करने के बाद हमको मिल जाएगा इसका मिड पॉइंट। अब ये लाइन मैं डॉट डॉट क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि इस लाइन की हमको ज़रूरत नहीं है, हमको इस पॉइंट की ज़रूरत थी, फिर भी कंस्ट्रक्शन दिखना चाहिए इसलिए वो डॉट डॉट में हमको दिखाना ज़रूरी है। अब इसको मैं जॉइंट कर देता हूँ, ठीक है, ये मिली हमको लाइन। और अब बारी है टी वी की, अब टी वी में फिर से हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस ले लिया है, अब इसको अपर आर्क लोअर आर्क और टी पर रख के अपर आर्क और लोअर आर्क, ओके। फिर से दो पॉइंट मिल चुके हैं, इनको जॉइंट कर देंगे। ये मिला इसका मिड पॉइंट, चलो इसको हम जॉइन करेंगे। और ये मिला है हमको सेंट्रोइड जिसका नाम है जी, इसको नाम दे देंगे ए बी और सी, यानी एक्सटेंड करने की जरूरत हमको थी भी नहीं। तो देखो स्टूडेंट, ये यहाँ पर मीडियन मिल रहे हैं जिसको हम जी इस पॉइंट से डिनोट कर रहे हैं। आप
को समझ में आ रहा होगा, इसी मैं होप कर रहा हूँ। क्वेश्चन था हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, उसका मीडियन और उसका सेंट्रोइड। ये है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, उसके तीनों भी मिड पॉइंट लेकर हमने मीडियंस ड्रॉ किए और मीडियन जहाँ पर मिलते हैं उसको हम सेंट्रोइड कहते हैं। तो ये तो था हमारा थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन फोर्थ है, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल LMN, फिर से ऑब्ट्यूस एंगल है, ड्रॉ इट्स एल्टीट्यूड्स एंड डिनोट इट्स ऑर्थो सेंटर। अब उसका मीडियन नहीं तो उसके एल्टीट्यूड हमको ड्रॉ करने हैं। चलो ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन फोर्थ देख रहे हैं हम, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। एक लाइन सेगमेंट, एक ऑब्ट्यूस एंगल और अब ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसका नाम LMN कहा है उन्होंने, तो LMN एक एंगल भी बड़ा है अगर 90 डिग्री से तो उसको ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहा जाता है ना। तो चलो इसके मीडियंस हमको ड्रॉ करने के लिए तो बोला था इसके पहले, अब हमको एल्टीट्यूड कहा है तो एल्टीट्यूड के लिए हमको चाहिए सेट स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से मैं सेट स्क्वायर का 90 डिग्री एडजस्ट कर रहा हूँ कि ये हो गया 90 डिग्री। इसको चलो जॉइंट कर लेता हूँ, इसको एक्सटेंड थोड़ा कर लिया मैंने। उसके बाद L से इधर, तो L से इधर अगर मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर तो लाइन है ही नहीं ट्रायंगल की, इसलिए इसको एक्सटेंड करना ही होगा। ये कर रहा हूँ मैं एक्सटेंड। ओके, यहाँ पर एरो दिखा देता हूँ मैं कि भाई ठीक है वो मैंने एक्सटेंड किया है। और अब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ पॉइंट L से इसके ऊपर, इसको भी एक्सटेंड कर दिया मैंने, यहां पर मिले हैं वो। अब LM पर N से, तो देखो यहां पर भी वो कुछ जॉइंट तो होने वाले नहीं है, फिर इसको भी एक्सटेंड मुझे करना ही होगा। ओके, यहां पर भी एक एरो बता देता हूं। ओके, अब 90 डिग्री अब इसको भी एक्सटेंड करना ही होगा क्योंकि ये आगे जाके मिलेंगे। और ये यहां पर मिले हैं, इसको ऑर्थो सेंटर कहेंगे हम। तो ये हो गया उसका ऑर्थो सेंटर। तो ये देखो अपना ओरिजिनल ट्रायंगल LMN ये था, बट उसके जो मीडियंस है वो बाहर मिले हैं। तो ये भी एक रूल है कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के जो जो ऑर्थो सेंटर रहता है वो ट्रायंगल के बाहर रहता है। ओके, इस पर से आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद ही क्वेश्चन फिफ्थ है, ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल XYZ, ड्रॉ इट्स मीडियंस एंड शो देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। अब राइट एंगल ट्रायंगल XYZ ड्रॉ करना है और उसके मीडियन हमको दिखाना है। तो चलो राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं। उसके लिए सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूं। उसके बाद 90 डिग्री लेने के लिए मैं ये सीधी लाइन को कंसीडर करता हूं। देखो ये लाइन सीधी 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 दिख रही होगी आपको। अब यहां से अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो वो राइट एंगल ट्रायंगल हो ही जाएगा, है ना। और इसको ज्वाइंट कर देता हूं। इसका नाम है XYZ, सो XYZ और ये है 90 डिग्री। ओके, अब इसको क्या ड्रॉ करने के लिए कहा गया है, मीडियंस। तो इसके मीडियंस हम ड्रॉ करेंगे। फिर से मीडियन ड्रॉ करने के लिए हमको चाहिए कंपास, और उसके भी पहले हमको इसको यहाँ पे थोड़ा प्रेस कर देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया है प्रेस, यहाँ पर भी वाई पर और जेड पर, Q
क्यू प्रेस करता हूं मैं, क्योंकि वहां पर हमारा जो आयरन टिप है कंपास बॉक्स में से जो हमने कंपास निकाला है अभी, उसका आयरन टिप यहाँ पे अच्छी तरह से फिक्स होना चाहिए। चलो हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेता हूं मैं, देखो हाफ से ज्यादा डिस्टेंस है भी। राइट साइड एक आर्क, लेफ्ट साइड एक आर्क, फिर एक्स पे रखता हूं मैं लेफ्ट साइड एक आर्क और ये राइट साइड एक आर्क, ओके। और ये जो दोनों ज्वाइंट हो रहा है वो दो पॉइंट को हम अगर ज्वाइन कर ले तो हमको इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट मिल जाएगा। मिल गया मिड पॉइंट। अब ये मिड पॉइंट को भी फिर से एम्बोस्ट कर देता हूं मैं, और अब इसको अगर मैं ज्वाइंट कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, मीडियन। तो ये मीडियन मिल चुकी है। वैसे ही एक्स वाई और वाई जेड के लिए, तो पहले वाई जेड का मिड पॉइंट फिर से देखो हाफ से ज्यादा डिस्टेंस ले लिया मैंने। अपर साइड एक आर्क, लोअर साइड एक आर्क, वाई पर रखते हुए अपर साइड एक आर्क और लोअर साइड एक आर्क, इनको ज्वाइंट कर देते हैं। और इनको ज्वाइंट कर देते हैं यहां पे। और अब थर्ड है एक्स वाई का मिड पॉइंट, फिर से हाफ से ज्यादा डिस्टेंस, देखो हाफ से ज्यादा डिस्टेंस, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, फिर एक्स पे रख के राइट लेफ्ट, ठीक है, ये दो पॉइंट मिले हमको। ये हो गई हमारा मिड पॉइंट, यानी कि ये है परपेंडिकुलर बायसेक्टर कहते हैं इसको। और ये अब जेड से हम ज्वाइंट करेंगे इस पॉइंट तक। तो ये जहां पर मिले हैं मीडियन, जहां पर मिलते हैं उसको कहते हैं हम सेंट्रॉइड, जिसको कहते हैं जी। और एल्टीट्यूड जहां पर मिलते हैं उसको कहते हैं ऑर्थो सेंटर, उसको ओ से हम डिनोट करते। तो देखो जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे वीडियो को पॉज करते हुए आप वैसे वैसे ड्रॉ अगर करोगे तो आपको ये पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन फिफ्थ तो हो गया हमारा। क्वेश्चन सिक्स है ड्रॉ एंड आइसोस्केलस ट्रायंगल, ड्रॉ ऑल द मीडियन एंड एल्टीट्यूड, राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। अब आइसोस्केलस ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल मींस जिसके दो साइड इक्वल रहते हैं, ऐसे ये दो साइड इक्वल रहेंगे, और उसका मीडियन भी ड्रॉ करना है और एल्टीट्यूड भी ड्रॉ करना है। तो यानी कि एक हिसाब से इसमें पूरा लेसन आ जाएगा, ओके। और उसका कंक्लूजन भी लिखना है कि आपको क्या लगता है उनके पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस पे। चलो आइसोस्केलस ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। आइसोस्केलस ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए पहले मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूं, ओके। उस पर पॉइंट दे देता हूं मैं, लाइन सेगमेंट का नाम यानी ट्रायंगल का नाम तो उन्होंने कहा नहीं है, इसलिए इसको दे देता हूं मैं बी, और इसको दे देता हूं मैं सी, ओके। बी और सी है क्योंकि ए ऊपर आएगा। अब इसमें आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेता हूं मैं, देखो आधे से ज्यादा डिस्टेंस मैंने लिया है, और सी पर रख के ऊपर एक आर्क और बी पर रखकर भी ऊपर एक आर्क, यानी ये मिल गया हमको पॉइंट ए, ये है पॉइंट ए। और अब ये दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं एसी और एबी को तो मुझे मिल जाएगा आइसोस्केलस ट्रायंगल एसी, और ये है एबी, ये यहां पर भी एम्बोस कर देता हूं मैं, ये मिल गया मुझे आइसोस्केलस ट्रायंगल, ओके। और अब हमारा काम शुरू हो जाता है, हम पहले एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलने के बाद मीडियन ड्रॉ कर लेंगे हम, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो एल्टीट्यूड ड्रॉ करना तो बहुत ही ईजी है, बस
सेट स्क्वायर ले लो और शुरू हो जाओ। तो ये लिया मैंने सेट स्क्वायर, ए पर रखता हूँ, इधर ये देखो 90 डिग्री मैंने बराबर प्रॉपरली एडजस्ट कर चुका है मैंने। ये हो गया है एल्टीट्यूड, ठीक है, इसको नाम दे देता हूँ मैं पी। फिर ये एक एल्टीट्यूड, देखो 90 डिग्री हुआ नहीं अभी, अब ये 90 डिग्री हो गया है। क्यू, और ये एक एल्टीट्यूड, तो परपेंडिकुलर का साइन दे दूंगा तो एल्टीट्यूड हम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये जहां पर हमको एल्टीट्यूड मिलते हैं उसको हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो ये हो गया ओ, ऑर्थो सेंटर। और अब आती है बारी सेंट्रॉइड के लिए। तो सेंट्रॉइड के लिए हमको मीडियंस ड्रॉ करना है, मीडियंस के लिए हमको चाहिए कंपास, और हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेता हूं मैं इधर। सी पर रखते हुए राइट साइड एक आर्क, लेफ्ट साइड एक आर्क, उतना ही डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ए पर रखूंगा मैं, लेफ्ट साइड एक आर्क, राइट साइड एक आर्क, ठीक है। तो ये दो पॉइंट मुझे मिल गए हैं, तो ये दो पॉइंट को जॉइंट कर देता हूं मैं। इसको डैश डैश दूंगा मैं क्योंकि मुझे इसका मिड पॉइंट चाहिए था, जो कि मिल गया है ये वाला। और इसको जॉइंट करूंगा मैं बी से, ठीक है। तो ये मिल गई इसकी मीडियन, अब इसको नाम दे देंगे हम डी। फिर इसकी बारी, फिर से हाफ से ज्यादा डिस्टेंस इधर, लेफ्ट साइड, राइट साइड, फिर इधर ए पर रखते हुए लेफ्ट साइड, राइट साइड, इनको भी जॉइंट कर देता हूं। ये यहां पर मिला है मुझे डी के बाद, इधर ई नाम दे देता हूं मैं, और सी ई को जॉइंट करता हूं जो कि रहेगी मीडियन, ठीक है। और अब बचा है तीसरा, देखो अभी आंसर खत्म नहीं हुआ। बी सी, इसका मिड पॉइंट, इसमें हाफ से ज्यादा डिस्टेंस, देखो हाफ से ज्यादा है, ऊपर एक आर्क, नीचे एक आर्क, फिर से बी पे रखते हुए ऊपर एक आर्क और नीचे एक आर्क, और इसको जॉइंट कर देता हूं। और एक बात आप नोटिस करोगे कि ये सीधा ही आ रहा है और ये वैसे ही ए पॉइंट से ही जॉइंट हो रहा है, तो ये मीडियन भी हो जाएगी। यानी देखो ट्रायंगल ए बी सी ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है, आइसोस्केलस ट्रायंगल में सी आर, बी क्यू और ए पी ये तीनों एल्टीट्यूड है जो मिले ऑर्थो सेंटर ओ पे। अब सी ई, बी डी और फिर से ए पी, ये तीनों एल्टीट्यूड भी है, अपना मीडियन भी है, यानी ए पी मीडियन भी हो गई और ए पी एल्टीट्यूड भी हो गई। यानी आइसोस्केलस ट्रायंगल में एक जो वर्टेक्स है, एक ये दोनों नहीं, एक वर्टेक्स है उसकी एल्टीट्यूड और मीडियन सेम रहेगी, और ऑर्थो सेंटर भी उसी एल्टीट्यूड पर है, और जो सेंट्रॉइड है वो भी उसी पॉइंट पर ही, यानी उसी लाइन सेगमेंट पर भी है, यानी ये है जी। ये दो चीजें हमको नोटिस होती है ये देखने के बाद। अब ये फिगर देखने में आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगेगी,
बट जैसे जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, आप वीडियो को फिर से पीछे लेकर जाके देखोगे तो आपको बहुत ही इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब क्वेश्चन उनका खत्म नहीं होता है, उनका क्वेश्चन और है कि इसके बारे में आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, तो वो ऑब्जर्वेशन भी हमको लिखना पड़ेगा कि एल्टीट्यूड्स बीक्यू सीआर सीएपी मीट्स एट पॉइंट ओ, जिसको हम लेंगे ऑर्थो सेंटर नाम, ये एक ऑब्जर्वेशन मिला। मीडियंस बी डी सीई ए पी, फिर से ए पी मिट्स एट पॉइंट जी, जिसको नाम है सेंट्रॉइड, ठीक है, एंड सेंट्रॉइड जी इज स्लाइटली मीन्स थोड़ा सा नीचे है, बिलो ऑर्थो सेंटर ओ, ऑर्थो सेंटर ओ से थोड़ा सा जी जो है वो नीचे के साइड में आपको मिल रहा है, ये उनका बोलना था। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है और क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 तो वहीं पर ही सॉल्व हो जाएगा कि पॉइंट जी है सेंट्रॉइड ट्रायंगल एबीसी का, ये है सेंट्रॉइड, अगर आर जी है 2.5, आर जी ये है अगर 2.5, तो जी सी कितना है। अब आपको एक बात पता चलेगी कि सेंट्रॉइड जो होता है वो 2:1 ये रेशो में क्या करता है, डिवाइड करता है वो मीडियन को, यानी कि ये होगा एक हिस्सा एक पार्ट, तो ये हो गए दो पार्ट, यानी ये सिंगल होगा तो ये डबल, तो ये 2.5 होगा तो ये 2.5 के डबल कितना होगा 5, तो ये आएगा 5, ओके। उसके बाद BG ये 6 है, तो BQ कितना है, BQ तो देखो आप ये 6 है तो ये इसका हाफ 3, और 6+3 9, तो ये होगा 9। और थर्ड है इफ लेंथ AP इज 6, अगर AP ये पूरी लेंथ AP 6 है तो AG और GP कितना है, तो 6 के 3 पार्ट करो, 3 2 6 आया आंसर 2, 2 एक पार्ट है तो 2 का दूसरा पार्ट डबल होगा 4, तो 4 और 2 ये उसका आंसर रहेगा, ठीक है। अगर इसका कैलकुलेशन अगर आपको चाहिए ही तो कैलकुलेशन भी चलो हम कर लेते हैं। क्वेश्चन 7 देख रहे हैं हम, उसका फर्स्ट आर जी इज इक्वल टू 2.5 है, सो आर जी ये है हाफ किसके, जी सी के, ये देखो जी सी के हाफ है, सो आर जी है 2.5, ये 2 इधर डिवाइड इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई इज इक्वल टू जी सी, हेंस जी सी कितना आया 2.5 का डबल 5, ये हुआ फर्स्ट का आंसर। सेकंड का कैलकुलेशन क्या है, BG 6 है, सो BG इज इक्वल्स टू ट्वाइस GQ, GQ के डबल है, सो BG है 6, ये 2 इधर जाने के बाद डिवाइड इज इक्वल्स टू GQ, सो हेंस GQ कितना आया 2 3 6, GQ 3 है, सो हेंस अब उन्होंने क्या पूछा है BQ, BQ कब बनेगा, BG प्लस GQ दोनों मिलाकर, सो BG प्लस GQ इज इक्वल्स टू BQ, सो 6+3 इज इक्वल्स टू BQ, हेंस BQ इज इक्वल्स टू 9, ये आया दूसरा आंसर। और थर्ड आंसर है कि AP है 6, तो AG और GP कितना है, सो AP बना किससे है, AG प्लस GP से, AG ये GP के डबल है, सो ये GP के डबल है और प्लस इसमें GP है,
सो 3GP इज इक्वल्स टू AP, है ना, और AP कितना था 6, तो ये है 6 इज इक्वल्स टू 3GP, 6 ये 3 मल्टीप्लाई इधर जाने के बाद डिवाइड इज इक्वल्स टू GP, 3 टू आर 6, GP कितना आया 2, और AG कितना होगा ट्वाइस GP का, यानी 2 इंटू 2 4, सो AG कितना आया 4। तो देखो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसके तीनों भी आंसर मैंने सॉल्व करके बता दिए हैं। इसका डिटेल में अगर आपको चाहिए तो डिटेल में भी मैं इसका वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।